महासती सीता चरित्र आधारित पुस्तक तमाच, लेखन वर्धमान तपोनिधि आचार्य देव श्रीमद विजय भुवन भानु सुरीश्वरजी महाराजा। जैसे मोक्ष दृष्टि संपत्ति वैभव के समय यह कार्य करती है, वैसे ही आपत्ति के समय, विषमताओं के समय में भी समाधि देने का कार्य करती है। मोक्ष दृष्टि यह विचार करवाती है कि मेरे जीवन में आपत्ति आई, संसारी अनुकूलताएं चली गई, पैसा गया, परिवार गया, यह कोई बड़ा नुकसान नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्तियों के 6 खंड के राज्य की वृद्धि भी चली गई, उनका चक्रवर्ती पद भी चला गया और लाखों करोड़ों का परिवार भी गया, तो मेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो गया? मुझे तो मेरा मोक्ष दूर ना हो जाए, खो ना जाए, यही देखना है, वैसा ही करना है। विपरीत स्थितियों में ऐसा विचार रखना ही पड़ेगा, जिससे चित्त को व्याकुलता, अधीरता, अफसोस महसूस ना हो। जो होने वाला है वो होके ही रहेगा। वहां व्याकुलता अफसोस करने से न तो आपत्ति हल हो जाएगी न कम होगी, उसमें फर्क तो कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। आपत्ति संपत्ति यह सब तो कर्मों का खेल है, अर्थात यह सब तो पूर्व निर्धारित हो चुका है, पूर्वायोजित है, तो इसमें अब क्या बदलाव आ सकता है? रोने धोने से नियति के नियम नहीं बदलने वाले। सीता जी यह बात अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए जंगल में तिरस्कृत करके छोड़े जाने पर भी वे ना ही विचलित हुए ना ही हाय तौबा मचाई, बल्कि सीता जी ने मन में कर्म के सामने जो धर्म का बल तथा मोक्ष का लक्ष्य धारण किया था, उसके अनुसार सीता जी रामचंद्र जी को यह संदेश भेजते हैं कि लोक वचन से जैन धर्म मत छोड़ना, क्योंकि जैन धर्म छोड़ा तो आपका मोक्ष निश्चित रुक जाएगा और यह अनमोल मानव भाव निष्फल हो जाएगा। करी सके ना कोई तारा गुणों ना सरवाला, युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अचवाड़ा।